जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। आज के दिन इस वीडियो में लेकर आए गए हैं सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक छोटी सी कंपनी जिसका नाम है FCS सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी। वैसे तो ये नोएडा बेस्ड कंपनी है, नोएडा में इस कंपनी का मेन मुख्यालय है, लेकिन इस कंपनी के कारोबार पूरे देश भर में फैले हुए हैं। छोटे स्तर पर कंपनी आईटी सेक्टर में मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। मैं बताऊंगा क्या क्या काम करती है और उसके बेसिस पे समझेंगे कि आने वाले समय में इस स्टॉक में और कितना तेजी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे एक दिन में इसमें 20% के आसपास तेजी देखने को मिली है। देखिए, सामान्यतः छोटी स्टॉक में इतनी तेजी ये कोई साधारण बात नहीं है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से भी समझेंगे कि लंबी अवधि में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक कैसा है, तथा पहले से यदि किसी व्यक्ति का इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है तो उन्हें क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है ताकि उन्हें मतलब लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ना हो। देखिए, जैसे मैंने काम के बारे में बताया कि कंपनी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और ये बेसिकली नोएडा में इस कंपनी का कारोबार है। देखिए, आईटी कंसल्टिंग की ये सुविधा प्रोवाइड कराती है, साथ में आईटी इंफ्रा मैनेजमेंट, आईटी रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट से भी संबंधित कार्य होता है या आईटी इनेबल सर्विसेज, जिसमें आईटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाना और भी तमाम तरह के जो काम हो गए जो आईटी के लिए ज़रूरी होते हैं, उस तरह के सभी सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है बेसिकली आईटी सेक्टर में। तो काम के बिहार पे समझे तो देखिए, आईटी सेक्टर का भविष्य तो काफ़ी उज्ज्वल है, यह आप सभी को पता है। तो उस लिहाज से यदि देखें तो FCS सॉफ्टवेयर का डिमांड फ्यूचर में हमेशा बना रहेगा काम के बेसिस पे। तो एक बात स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, कंपनी के जो काम करती है उसका डिमांड रहेगा। अब बात करें फंडामेंटल का, तो मार्केट का देखेंगे तकरीबन 781 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। ओवरऑल पेनी स्टॉक में भी थोड़ा मजबूत कंपनी है वैल्यूएशन वाइज, लेकिन स्टॉक का पीई काफ़ी महंगा है। तो साधारण सी बात है कि पेनी स्टॉक का पी महंगा होता ही है। खैर, हम तो चांट पर देखते हैं कि कहाँ पे प्राइस उठाना है, इसलिए वैल्यूएशन वाइज यदि मान लीजिए इस कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा महंगा भी है तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम चांट पर देख के डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पे इसको उठाना है। शेयर प्राइस देखेंगे तकरीबन 4.5 रुपये के आसपास सभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है जो, और बुक वैल्यू से ज़्यादा है इस कंपनी का शेयर प्राइस, ये काफ़ी बढ़िया बात है। दूसरी सबसे अच्छी बात है कंपनी का ROCE और ROE दोनों देखेंगे तो पॉजिटिव में है, हालांकि 1% से कम है, लेकिन अच्छी बात यह कि माइनस नहीं है। सामान्यतः जहाँ दूसरे तमाम छोटे स्टॉक है उनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वो माइनस में होता है, और यहाँ पर वैसी बात नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कुछ ना कुछ रिटर्न निकाल कर दे ही देगी, क्योंकि ये प्लस में है। अब आगे हम लोग कंपनी के चार्ट पर, 3 साल का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझेंगे कि स्टॉक में क्या चल रहा है, हमें क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है। तो देखेंगे, काफ़ी दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, तकरीबन 3 रुपये से लेकर 2 रुपये के बीच में इस स्टॉक का प्राइस घूम रहा था, और पिछले साल जुलाई 2020 से ही इसमें ये कंसोलिडेशन में आया था, और अभी देखिए अभी जाके ये स्टॉक कंसोलिडेशन से बाहर निकला है। तो देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है और जब कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो 90 से 95% चांस होता है कि उसमें ब्रेकआउट होगा। इसमें भी ब्रेकआउट हुआ, और जितना लंबा समय तक इस कंसोलिडेशन रेंज में वो बिताता है समय, उतना ही लंबा ब्रेकआउट भी होने के चांस होते हैं। तो अभी तो प्राइस बढ़ रहा है, अभी सिर्फ 4.5 रुपये के आसपास गया, इसके लिए ये रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन 7 रुपये के आसपास, जहाँ पर पिछले साल जनवरी 2022 में इसने हाई बनाया था, वहाँ तक के लिए स्टॉक तकरीबन जा सकता है। आप इसके लिए रेडी रह सकते हैं, यहाँ तक के टारगेट के लिए। यहाँ तक के लिए आप नहीं भी जाते हैं तो कम से कम 5-6 रुपये तक तो इजीली आप जा सकते हैं, और 5 रुपये तक तो इसका प्राइस पहुँच भी गया है। तो जो लोगों को टारगेट 5 रुपये तक था वो इसमें से चाहे तो हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, हाफ क्वांटिटी सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या मैं कहूँगा आप रुके रहिए, क्योंकि लंबी अवधि के लिए आप निवेशक हैं तो कुछ सोचना ही नहीं, धीरे धीरे तो प्राइस 7 रुपये से ऊपर भी जाएगा। लेकिन यदि शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो यहाँ पर आप क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या, जो नए व्यक्ति हैं और जो जिनका अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं, उन्हें क्या करने की आवश्यकता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये जैसे प्राइस अभी देखेंगे तो अभी प्राइस ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो चढ़ती हुई रेलगाड़ी में घुसना नहीं है। हम कब इसमें एंट्री करेंगे, जब प्राइस ऊपर जा रहा है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने नीचे आएगा, चाहे जिस लेवल से भी नीचे आए, थोड़ा सा जब प्राइस नीचे आके दोबारा ऊपर उठेगा फिर हम वहाँ पर एंट्री लेंगे, और यहाँ पर एंट्री लेके एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट हम लोग बुक करेंगे। क्योंकि जब प्राइस लगता है ऊपर जा रहा हो, चढ़ती हुई रेलगाड़ी में नहीं चढ़ना चाहिए। जब प्राइस ऊपर जा रहा हो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर नीचे आएगा, और जब ऊपर उठने लगेगा फिर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो ये नए लोग समझ गए कि कहाँ पे एंट्री लेना है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करें तो हम पाएंगे कि कंपनी का जो सेल्स होता है, सेल्स देखिए पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो बढ़ा नहीं है, लेकिन कम भी नहीं हुआ है। जहाँ पे कंपनी का सेल्स रह रहा है वहीं पे बरकरार है। लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो मेन बिजनेस है, जो कंपनी की कमाई है, वो बढ़ते हुए आपको जरूर दिखा है। पिछले कुछ क्वार्टर में देखें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ा है। यानी कि ओवरऑल एक बात तो हमें समझ में आ रहा है कि FCS सॉफ्टवेयर का जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल भी ठीक है। कंपनी का जो काम धाम भी काफ़ी बढ़िया है। काम के बेसिस पे जिसने बताया कि इसमें तेजी रहेगी, और टेक्निकल एनालिसिस भी हमें ये बताता है कंपनी का शेयर रॉकेट बनने जा रहा है, बनते हुए दिख भी रहा है,
इसलिए इसमें हमें इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखने के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ एफसीजे सॉफ्टवेयर के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कोई भी सवाल है मन में कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।